वालेकुम, क्या हाल चाल है नाज़रीन। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो आप यकीनन शौक से देखते होंगे और मुझे इंशाल्लाह ताला आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। ये देखें, ये मैं आज चापे बना रही हूँ। ये चापे हैं, ये धो के रख दूँगी मैंने और ये आपको मैं तरकीब दिखाती रहती हूँ कैसे बनेगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसके अंदर जो डलेगा, मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा डालती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, इस वजह से मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं ये पिसा हुआ ज़ीरा है, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, ये वो डाल रही हूँ मैं। ये दो चमची छोटी छोटी सी हैं, ये वो डाल रही हूँ। ये जवतरी है, ये थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं। ये दालचीनी का पाउडर है, ये डाल रही हूँ मैं एक चमची। ये जायफल है, ये डाल रही हूँ मैं। और इसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, ये तकरीबन 3 चम्मच के करीब सोया सॉस डाल दिया मैंने। यही मैं तकरीबन 3 चमचे के करीब सिरका डाल रही हूँ और ये हॉट चिल्ली सॉस है, ये वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। ये पेपर सॉस डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो डाल लें वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये हल्दी है, ये हल्दी डाल रही हूँ और ये मिर्चे हैं पिसी हुई, ये डाल रही हूँ। ये मैं नींबू भी डाल रही हूँ इसके अंदर, ये मैं नींबू भी डाल रही हूँ और ये मैं 2 नींबू डाल रही हूँ। ये मैंने 2 छोटे छोटे नींबू डाले, नींबू बहुत छोटे छोटे से थे, ये मैं 2 डाल रही हूँ। आप चाहें डालें, आप चाहें ना डालें, लेकिन मैं डाल रही हूँ। और नींबू डाल रही हूँ, डाले हैं मैंने। आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो नहीं डालें। और मैंने इसके अंदर नमक ज़रा सा नहीं डाला है, मैं थोड़ा सा ही नमक डालूँगी क्योंकि सोया सॉस में नमकीन होता है, वो तो वो नमक तेज़ ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा ही नमक डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही। और अभी मैं दही में इसके अंदर ना ये 1/2 कप के करीब दही डालूँगी और इसके बाद ये मसालों को जो है ना मिक्स करके और इन्हें लेट नाइट के लिए रख दूँगी, कल सुबह बनाऊँगी मैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, उम्मीद है ठीक होंगे। कल मैंने आपको बताया था मैंने चापों को मसाला लगा के रखा हुआ था और आज मैं इनको तलना सिखा रही हूँ। ये मैं मेरे एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में मेरे तेल का मसला हो रहा है, मैं अब आपको तेल डाल के फिर ये धीमी आंच में बनेंगी। ये देखिए मैं डाल ही रही हूँ, अब आपको ये पकते हुए दिखाऊंगी मैं। ये तकरीबन ये मैं 1/2 घंटे में पका के देखती हूँ, अगर चेक करूँगी फिर। वैसे 1/2 घंटे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, 1 घंटे का टाइम तो है इसका कि हल्की धीमी आंच पे 1 घंटे तक ये पक जाएंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। ये देखिए ये मैंने चढ़ा दिया है और इसको मैंने पतीले को ढक्कन भी लगा दी ये धीमी मतलब दरमियानी मध्यम आंच में, ये देख रहे हैं आप, नज़र आ रही है आप लोगों को, बिल्कुल मध्यम आंच पे है। इसमें ये गलता रहेगा, इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है। ये मैं आपको बता दूँ, खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखो ये अभी इस पोजीशन में, ठीक है। अब मिलते हैं इसकी तैयारी पे। धुआं आ गया, ये देखें, ये मैं पलटा रही हूँ। अब आप ये देखें, इतना इतनी प्यारी खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। मैं इसे दोबारा ढक रही हूँ, अब ये तैयार होने के बाद ही दिखाऊंगी आपको। चापे तैयार कर लिए, बहुत लजीज और ज़ायक़े वाली हैं, ये तैयार हैं और बहुत लजीज हैं और बहुत ज़ायक़ा आ रहा है इनमें। ये देखें गल गई हैं बिल्कुल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ आप लोगों की मेहरबानी होगी, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।
या मैं इन बोटियों को ना पलट रही हूँ, ये खुद ही इसी पानी में गल जाएगा।